Assalamu alaikum. For easy peasy recipes, do subscribe my channel and hit the bell icon to get the first notifications. आज हम कुछ यूनिक बनाने जा रहे हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं 10 minutes evening snack. तो 10 मिनट में तैयार भी हो जाती है. इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सो यहाँ मैंने लिए हैं 5 slices of bread जिसके मैंने साइड्स कट कर दिए हैं. साथ यहाँ पे हमें चाहिए होंगे सॉसेजेस. मैंने यहाँ 5 सॉसेजेस लिए हैं. हमें यहाँ ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, अंडे चाहिए, एग्स चाहिए. मैंने यहाँ 2 अंडे लिए हैं, बीट करना है हमें इनको. साथ हमें यहाँ चाहिए चीज के स्लाइसेस और जो हमने ब्रेड के साइड्स काट के रखे थे हम उसको ग्राइंड कर लेंगे या बारीक, तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ हमें एक ब्रेड लेनी है, उसको हमें उसको रोलिंग पिन से बेलन से इसको अच्छे से लाइक फ्लैटन करना है. इस तरह से उसको साइड में रखना है. इसी तरह अपने तमाम बाकी के हमारे 5 स्लाइसेस हैं उसको हम इस तरह से फ्लैटन कर देंगे. यहाँ हमारे तमाम स्लाइसेस जो हैं फ्लैटन हो चुके हैं. अब एक पैन के अंदर हमें ऑयल लेना है अप्रॉक्स 3 टेबलस्पून और हम जो हमारे सॉसेजेस हैं उसको हम इसके अंदर लाइक यू नो शैलो फ्राई करेंगे. सो नाउ सॉसेजेस बड़े अच्छे तरीके से शैलो फ्राई हो चुके हैं. अब हम इनको डिश आउट करेंगे पेपर टॉवल के ऊपर पहले, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो जो हमारा टॉवल है पेपर टॉवल वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और हमें ड्राई सॉसेजेस मिल जाए. अब हम इनके सामने की तरफ चलते हैं. तो पहले हम यहाँ पे अपना फ्लैटेन ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर हमें चीज रखनी है. चीज के साथ ही हमें ऊपर इसके अपना सॉसेज रखना है, मतलब हॉट डॉग रखना है. उसको अच्छे तरीके से टाइट टाइट सा हम इसको रोल करेंगे और फिर हम इसको टूथपिक से जो है हम इसको सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले ना. अब हम इसको जो है अंडे के अंदर जो है लाइक इसको वॉश करेंगे, एग वॉश देंगे. एग वॉश के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से और फिर हम इसको भी साइड में रख देंगे. इसको हमें भी डीप फ्राई करना है. ऐसे ही हमने सारे जो है रोल्स हम बना लेंगे. पहले हमें ब्रेड रखनी है, उसके ऊपर हमें चीज का स्लाइस रखना है, उसी के ऊपर ही फौरन से हमें अपना सॉसेज रखना है. उसको टाइटली लाइक रोल करके टूथपिक्स के साथ हमें इसको सिक्योर करना है. फिर एग वॉश देना है वन टाइम, और वन टाइम ही हमें इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है. इस तरह आप देख सकते हैं हमारे 5 के 5 जो है रोल हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे. एक हमने पैन लिया, उसमें हमने ऑयल गरम करके रखा हुआ था ऑलरेडी और हम वन बाय वन जितनी हमारी पैन की कैपेसिटी है हम उस हिसाब से ही रोल डालेंगे. यहाँ हम रोल को तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमें गोल्डन कलर ना मिल जाए और अप्रॉक्स 1.5 मिनट्स में लाइक हमें 1.5 मिनट में हमें गोल्डन कलर मिल जाएगा. तो 1.5 मिनट्स पर साइड हमें देना है और जैसे ही हमें गोल्डन कलर मिल जाए अच्छा सा तो फिर हमें इसे फौरन डिश आउट कर देना है और हमें जो है टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर जब्स कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हमें ड्राई रोल मिल जाएंगे. जितना हम सारे हमें रोल फ्राई करने हैं और हमारे लजीज इजी पीजी से रोल हमारे तैयार हैं. रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.